स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे रैबिन कार्प। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या स्ट्रिंग मैचिंग की, जिसकी वजह से हम कभी रैबिन कार्प की तरफ जाते हैं, कभी फाइनाइट ऑटोमेटा वाले सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, और कभी हम जो है केएमपी की तरफ जाते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये कि सपोज करें आपके पास एक टेक्स्ट है टी जिसकी लेंथ है एन, और एक है पी जिसकी लेंथ है एम। ठीक है, तो ये दो स्ट्रिंग्स आपके पास है और पी को आपको सर्च करना है टी के अंदर। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने सर्च करना शुरू किया, पहले कैरेक्टर के साथ मैच हो गया, सेकंड पर आइए फेल हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि आप अपने इस टेम्पलेट को थोड़ा सा स्लाइड करेंगे और यहाँ सेकंड से आप सर्च करना शुरू कर देंगे। कैरेक्टर स्लाइड किया आपने और फिर आपने यहाँ से मैच किया, अब ये मिसमैच हो गया, फिर आपने स्लाइड किया यहाँ से, आपने किया यहाँ पे पूरा मैच हो गया। ठीक है, फिर आपने एक और स्लाइड किया तो यहाँ पे कैरेक्टर मैच हुआ, फिर ये मिसमैच हो गया। तो एक ही दफा ये टेक्स्ट के अंदर ये पैटर्न आपको फाउंड हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि एक-एक जब भी मिसमैच हो रहा है तो आप एक कैरेक्टर स्लाइड करते हैं और फिर दोबारा इसको मैच करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये आप कब तक करेंगे? ये आप करेंगे एन माइनस एम तक। यानी सपोज करें आपका एन जो है ये है 6 और एम है 3, तो 6 माइनस 3 आपके पास 3 आ गया। तो आपने यहाँ से शुरू किया 1 0 1 2 और ये 3, तो लास्ट आपने यहाँ से मैच करना शुरू किया। क्योंकि अब इससे आगे आप क्यों नहीं मैच करेंगे, क्योंकि इसके बाद सिर्फ दो कैरेक्टर्स रह गए। ठीक है, और आपकी जो पैटर्न है वो 3 कैरेक्टर्स की है, तो अब यहाँ से मैच करने की कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि अब आपके पास जो है यहाँ पे कम कैरेक्टर्स रह गए एज कम्पेयर टू द पैटर्न। तो लास्ट जो आप करेंगे मैच वो कहाँ तक करेंगे? एन माइनस एम तक। ठीक है, तो ये आपके पास शिफ्ट नंबर 0, शिफ्ट नंबर 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, ये शिफ्ट 3 आपकी जो है ना ये लास्ट होगी। तो आपका जो एस है वो 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा? एन माइनस एम तक जाएगा। लेकिन यहाँ पे वही सवाल है कि भाई एक कैरेक्टर मैच हो गया, एक से ज्यादा कैरेक्टर मैच हो गया, फिर कहीं भी जहाँ मिस मैच होगा फिर एक स्लाइड करेंगे दोबारा से मैचिंग शुरू कर देंगे। तो कॉम्प्लेक्सिटीज की क्या हो जाएगी कि अगर टेक्स्ट के में एन कैरेक्टर्स हैं और पैटर्न में एम कैरेक्टर्स हैं, तो टोटल जो ये ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो एन मल्टीप्लाई बाय एम हो जाएगी। और अगर आप सपोज करें कि एम ही काफी लेंथी है जो पैटर्न आप मैच करने जा रहे हैं, तकरीबन हाफ ऑफ द टेक्स्ट है, तो ऐसी सूरत में कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर भी हो सकती है। अब यहाँ पर रैबिन कार्प एक बड़ा जबरदस्त एक सोल्यूशन लेकर के आया है, और वो सोल्यूशन ये है कि आप जो है जिस टेक्स्ट में आप सर्च कराने जा रहे हैं उसकी इनकोडिंग कर दें, उसको कोई कोड आप असाइन कर दें डिजिट वाइज। ठीक है, और जो पैटर्न है जिसको आप सर्च करने जा रहे हैं वो भी आपके पास क्या हो जाएगा? उसकी भी कोडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब ये सब आपके पास नंबर्स बन गए और ये पैटर्न भी नंबर्स की सूरत में आ गया। तो आपको पता है कि नंबर्स की जो कंपैरिजन होती है वो फास्ट होती है एज कम्पेयर टू कैरेक्टर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब ये जो नंबर्स हैं जो आपने नंबर की कोडिंग कर दी है कैरेक्टर्स के पीछे, तो अब एक चीज है कि इसको वाकई नंबर भी बनाना होगा। अगर आप जैसे मिसाल के तौर पे ए को आप 1 कहते हैं, बी को 2 कहते हैं, तो मामला यहीं तक नहीं होगा सिंपल, बल्कि आपकी जो स्ट्रिंग है ना उसको न्यूमेरिक बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसूल है कि कंप्यूटर में जो न्यूमेरिक कंपैरिजन होता है वो फास्टर होता है एज कम्पेयर टू कैरेक्टर कंपैरिजन। तो आपको इसको वाकई न्यूमेरिक बनाना पड़ेगा। तो रैबिन कार्प ने बड़ा जबरदस्त एक सोल्यूशन दिया है, और वो सोल्यूशन ये है कि आपका जितना बड़ा ये पैटर्न है, ठीक है, मिसाल के तौर पे 5 कैरेक्टर्स का ये पैटर्न है, तो आप जो विंडो लेंगे ना वो भी 5 की ही लेंगे, और ये 5 की विंडो को पूरा पूरा आप इसके साथ मैच नहीं करेंगे, बल्कि आप इसका एक तरह से हैश फंक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। आप इसका हैश फंक्शन निकालेंगे। अच्छा, इसके लिए क्या है कि हम जो नंबर है इसका मॉड्यूलस दे देंगे किसी भी प्राइम नंबर के साथ। कोई भी प्राइम नंबर आप ले लें, जैसे 11 है, 13 है, 17 है, तो किसी भी प्राइम नंबर के साथ आप इसका मॉड्यूलस ले लें और उस मॉड्यूलस को आप सेव कर लें। और इसी तरह से हर टेक्स्ट की जो विंडो है ना उसका भी आप इसी तरह से करते जाएं कि यानी कि पैटर्न का तो आपने एक मॉड्यूलस ले लिया, 7 आ गया मिसाल के तौर पे। अब इस तरह से आप स्लाइड करते जाएं अपना जो टेक्स्ट की विंडो, यानी टेक्स्ट क्या 5 की विंडो ले लें, 1 2 3 4 5, ये आपने ना इसका आपने एक निकाल लिया मॉड्यूलस। सपोज करें 2 3 5 9 0 का मॉड लिया आपने 13 से, तो आया 8। ठीक है, फिर आपने इसी तरह से इसको एक शिफ्ट किया 3 5 9 0 2, इसका मॉड्यूलस निकाला आपने सपोज करें 9 आया। इस तरह आप टेक्स्ट में एक एक फ्रेम आप इसको स्लाइड करते रहेंगे और इन सब का मॉड्यूलस निकाल देंगे। ठीक है, अब ये आपके पास एक नई एरे आ गई जिसमें खाली मॉड स्टोर है, सारे मॉड्यूलस वैल्यूज जो है ना ये स्टोर है।
अब आप क्या करेंगे, आप इस एरे के अंदर देखेंगे कि जो मेरा पैटर्न का मॉड आया था 7, वो कहीं पर मिल रहा है। अब ये बड़ा फास्ट होगा क्योंकि वन बाय वन आप 7 को सर्च करना शुरू करेंगे इसमें। अच्छा, यहाँ पर 7 सर्च हो गया, मिसाल के तौर पे यहाँ पर भी 7 आ गया, दो जगह पर आ गया। अब जहां जहां पर 7 आया है उसके पीछे आप जाके देखेंगे कि जिस नंबर की वजह से 7 आया है तो वो नंबर क्या है, 31415 हमारा पैटर्न था, तो यहाँ पर वाकई वही नंबर है जिसका मॉड यहाँ पर 7 आया है, तो ये वैलिड मैच हो जाएगा। और यहाँ पर एक और नंबर है 67399, आप कंप्यूटर में मॉड निकाल के देखें इसका, तो इसका भी मॉड 7 आएगा। लेकिन इस मॉड के पीछे जो नंबर है वो नंबर नहीं है जो कि पैटर्न का नंबर था 31415। तो इसका मतलब है कि ये जो मैच है ना, ये स्पूरियस है, ये स्पूरियस हिट है, ये वैलिड नहीं है। और ये जो है ये वैलिड है क्योंकि इस 7 के पीछे जो आपका नंबर है ना, वो वही नंबर है जो आपके पैटर्न का नंबर था। रेबन कार्प ने कहा है कि जो आपका नंबर था मिसाल के तौर पर 31415, ठीक है ना, ये एक विंडो थी आपके पास। अगली विंडो है 14152, तो आप क्या करो, आप 31415 में से 33 × 10^4 यानी 30,000 इसमें से आप माइनस कर दो। इस तरह से क्या होगा, ये 3 जो है ना इस नंबर में से निकल जाएगा। जब 31,415 में से 30,000 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 1415, ठीक है। 1415 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये फिर बन जाएगा 14,150, और इसमें आप अगला डिजिट प्लस कर दो यानी कि 2, तो ये बन जाएगा 1415 2। तो आपको सिर्फ दो ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं, एक ये कि आप इस डिजिट को एलिमिनेट करने के लिए इसमें से आप 30,000 माइनस कर दें, जो आपके पास नंबर आ रहा है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते ही अगला डिजिट ऐड करते हैं आप इसमें, तो ये आपका अगला फ्रेम बन जाएगा, ठीक है ना, और फिर आप उसका मॉड्यूलस ले लें 13 के साथ, ठीक है। अच्छा, ये एक प्रोसेस है इस तरह से, आप टेक्स्ट में ना जल्दी जल्दी टेक्स्ट को एक एक कैरेक्टर शिफ्ट करते हुए और आप नया मॉड्यूलस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो एल्गोरिथम है वो इससे भी आपको एक फास्ट प्रोसेस बता रहा है, और यहाँ पे तो आपको इतने बड़े नंबर के लिए यकीनन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना जरूरी होगा कि इसकी मॉड्यूलस की क्या वैल्यू आएगी। लेकिन मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ, जो एल्गोरिथम हमें सिखा रहा है, वो बहुत आसान है और बड़ा फास्ट तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे विदाउट कैलकुलेटर। यानी अगर कैलकुलेटर से करेंगे वो तो फिर जाहिर बात है कि वो सबसे फास्टेस्ट है क्योंकि वो एक ही दफा में आपको आंसर दे देगा, लेकिन आप एल्गोरिथम में देखें किस तरह से ये काम हुआ है, ठीक है। ये जहन में रखना है कि जो हमारी एरे है जिसमें हमारा टेक्स्ट है उसका नाम है कैपिटल टी, ठीक है, पोजीशन नंबर 1 से टेक्स्ट रखा हुआ है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एस की वैल्यू ले लेते हैं शुरू में 0, शिफ्ट 0 का मतलब है कि आप बिल्कुल स्टार्ट से आपने टेक्स्ट को मैच करना शुरू किया। कितने कैरेक्टर तक आप मैच करेंगे, क्योंकि पैटर्न एम कैरेक्टर्स का है तो आप भी S+1 से स्टार्ट करेंगे मैचिंग और S+M तक जाएंगे, और S शुरू में क्या होगा 0, इसका मतलब है टेक्स्ट की फर्स्ट पोजीशन से M पोजीशन तक फिर आप क्या करेंगे, मैच करेंगे पैटर्न्स। और जब S की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फिर ये विंडो शिफ्ट हो जाएगी, जैसे यहां से अगर आप ले रहे हैं, सपोज कर रहे हैं S की वैल्यू 0 है तो 1 2 3 4 5, अगर हमारा पैटर्न 5 कैरेक्टर्स है, फिर आपने S की वैल्यू शिफ्ट करके क्या कर दी 1, तो S1 हो गया, तो 1+1 यानी ये 2 पोजीशन से अब टेक्स्ट मैच होगा, 2 3 4 5 6 पोजीशन तक मैच होगा। तो इस तरह S की वैल्यू आप चेंज करते रहेंगे और आप टेक्स्ट के अंदर स्लाइड करते रहेंगे अलग अलग विंडो। लेकिन अभी आपको टोटल मैच नहीं करना है, मैच आपको कब करना होता है, मैच आप तब करते हैं जब आपने जो हैश फंक्शन निकाला है पैटर्न का, उसका नाम है पी, वो टेक्स्ट के हैश फंक्शन से मैच कर जाए। अगर पैटर्न का जैसे वैल्यू क्या आ रही थी, 7 आ रही थी, ठीक है ना, और यही वैल्यू अगर आपकी मैच हो रही है, ये देखें ये पैटर्न पैटर्न का हैश आया था 7, ये देखें ये पैटर्न था 31415, इसका हैश आया था हमारे पास 7, और अगर आपके पास यही चीज यहाँ पर भी 7 आ रही है, इधर भी 7 आ रही है, ठीक है ना, तो फिर हम जाके पैटर्न को पीछे मैच करते हैं। हम इन दूसरे जगहों पे पीछे जाने की जरूरत महसूस नहीं करते, जैसे अगर 8 आया है तो हम उसके पीछे जाके देखें कि 31415 को मैच करें, भाई क्यों मैच करें, उसका हैश फंक्शन ही सेम नहीं आया, वैल्यू सेम नहीं आई उसकी, हैश की मॉड वैल्यू डिफरेंट आई है, मॉड वैल्यू 7 आएगी तब हम जाके पीछे विंडो को मैच करेंगे। तो रेबिन कार्प आपको एक एडवांटेज देता है कि जहां पर आपका हैश वैल्यू मैच करे ना टेक्स्ट के बॉक्स की जो हैश वैल्यू आई है, जैसे 23590 की हैश वैल्यू 8 आई है, तो आप सबसे पहले 8 को 7 से मैच करेंगे, अगर यही मैच नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट नेक्स्ट विंडो पे चले जाएंगे,
फिर आप 9 से कंपेयर करेंगे 7 को, नहीं वो आप अगले पे चल जाएंगे 3 पे, फिर 11 पे आ जाएंगे, फिर 0 पर आ जाएंगे, एंड सो ऑन, आप इस तरह से मूव करते रहेंगे। तो ये बड़ा जबरदस्त एडवांटेज है कि जहां पर आपके पैटर्न की हैश वैल्यू मैच होगी ना टेक्स्ट के हैश वैल्यू से, तो फिर आप पीछे जाके देखेंगे कि नंबर वही है जो पैटर्न का नंबर था, जैसे 31415, तो फिर वैलिड मैच होगा। और अगर 7 के पीछे जाके आप देखते हैं, ये यहाँ पे 67399 ये मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि आपकी स्पूरियस हिट है, ये आपकी वैलिड मैच नहीं है। तो यही बात इस पैराग्राफ में लिखी हुई है कि हम हर दफा पैटर्न को टैग से मैच नहीं करेंगे, सिर्फ उसी वक्त करेंगे जब हमारे हैश फंक्शन मैच कर जाते हैं। ठीक है, तो कैपिटल टी हमारा टेक्स्ट है और स्मॉल टी जो है ना वो हैश फंक्शन है। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ उसके प्रोसीजर की तरफ, रैबिन कार्प के, लेकिन उससे पहले चार चीजों को समझना जरूरी है। टेक्स्ट का नाम है कैपिटल टी, पैटर्न की जो एरे है वो है कैपिटल पी, और रेडिक्स है डी। यानी अगर सपोज करें आप कोडिंग कर रहे हैं किसी भी डिजिट की, तो उसमें आपने 10 डिजिट्स लिए हैं 0 से 9 तक, तो आप इसका रेडिक्स लेंगे 10। और अगर आप सपोज करें अल्फाबेट ले रहे हैं, स्मॉल केस 26 है, तो फिर आपका रेडिक्स हो जाएगा 26। और अगर स्मॉल और अपर केस दोनों मिला के ले रहे हैं तो फिर आपके पास 52 हो जाएगा, उसमें डिजिट भी शामिल कर रहे हैं तो 62 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो फिर ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो है ना जिन कैरेक्टर्स पर टेक्स्ट बेस कर रहा है वो उनकी तादाद कितनी है, तो उसके हिसाब से आप रेडिक्स लेंगे। हम यहाँ पर एल्गोरिथम समझाने के लिए, सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ डिजिट्स पे काम कर रहे हैं 0 से 9, तो हम अपना रेडिक्स 10 लेंगे। ठीक है, और फिर आप एक प्राइम नंबर ले लेंगे क्यू, जिससे आप मॉड्यूलस निकालेंगे। अब ये चारों चीजें मैंने आपको पीछे समझा दी, ये आपकी टेक्स्ट की एरे है टी, और ये आपका पी पैटर्न की एरे है, डी जो है ये आपका रेडिक्स है, और क्यू आपका प्राइम नंबर है। अच्छा, अब जो आपका टेक्स्ट है उसकी लेंथ है स्मॉल एफ, जैसे कि नेव में भी था, और पैटर्न की लेंथ है स्मॉल एन। ठीक है, अच्छा ये है एच आपकी एक खास वैल्यू जो यहाँ पर जाकर इस्तेमाल होगी जब मैं अगली विंडो की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। यहाँ पर अगली विंडो की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा ना, तो यहाँ पर एच यूज होगा। मैं आपको बता देता हूँ एच क्या चीज है। बेसिकली जो आप सपोज करें कि आपका पैटर्न जो है ना वो अभी जैसे हमने देखा 5 डिजिट्स का है, ठीक है, तो ये होगा आपका डी की पावर 4 मॉड्यूलस जो भी आपने नंबर लिया हुआ 13 17 व्हाटएवर। ठीक है, अच्छा ये हम क्यों करते हैं, अभी आपको मैंने बताया था कि जब हम अगले विंडो की तरफ जाते हैं तो पहला डिजिट एलिमिनेट करते हैं, ये पहला डिजिट हम एलिमिनेट करते हैं। इसको एलिमिनेट क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपका पैटर्न जो है ना वो 5 डिजिट्स का है, तो 10 की पावर 4 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले डिजिट को, तो 31415 में से 3 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 31415 में से 30,000 माइनस करना पड़ेगा। तो वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट डिजिट उसको मल्टीप्लाई करना होगा आपको 10,000 से। तो यहाँ पर यही आपको बताया हुआ है, ठीक है, एंड देन उसका जो मॉड है यानी जो भी है वो भी आप इसमें शामिल कर लें, तो ये पूरा आपके पास एच हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इनिशियली ये स्मॉल पी है आपके पास जो कि पैटर्न का हैश फंक्शन, इनिशियली 0 है, और ये पहली वाली जो टेक्स्ट विंडो है ना जिसका हमें हैश निकालना है उसकी भी इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। अब मैंने क्या किया, पैटर्न की लेंथ है एम, तो आई की वैल्यू 1 से लेकर एम तक का लूप चलाया। अब मैं पैटर्न का हैश फंक्शन निकालूंगा, इस लूप का फायदा उठाते हुए मैं साथ में पहली वाली विंडो का भी हैश फंक्शन निकाल लूंगा। ये देखिए आप, मेरा जो पैटर्न था वो 31415 था, ठीक है, यहाँ पे तो इसमें पूरी एरे दिखाई गई। सपोज करें मेरा पैटर्न जो है ना 5 डिजिट का है, 31415, इसका मैंने अलग से निकाल लिया हैश। इसके साथ साथ मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 23590 का भी हैश निकाल लूंगा, क्योंकि फिर मेरे पास एक अलग फॉर्मूला है जिसके जरिए से मैं अगली विंडो का निकालूंगा यानी 35902 का। ये हैश फंक्शन निकालने, इसका हैश फंक्शन यानी 9 जो आ रहा है ये निकालने में मुझे मदद देगा पिछला वाला हैश फंक्शन, और छोटी मोटी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी जो मैं अभी आपको आगे फॉर्मूले में समझा रहा हूँ। तो ये एडवांटेज है इसका कि ये जो एच आगे इस्तेमाल हुआ, एक तो ये चीज, और दूसरा ये जो मैं पी और टी नॉट निकाल रहा हूँ यानी पैटर्न का हैश फंक्शन और जो मेरी पहली टेक्स्ट की विंडो है, तो ये मैं साथ ही करूंगा। ठीक है, ये अभी मैं आपको फॉर्मूला आगे समझाऊंगा, तो चले फॉर्मूला समझ लेते हैं। ये देखें आप, मिसाल के तौर पे 31415 है, इसका मुझे मॉड निकालना है। ठीक है, अच्छा रेडिक्स हमने 10 लिया हुआ है और इनिशियली पी हमारा 0 है, जो जो इसका हैश फंक्शन आखिर में क्या होगा, इसमें पी में मॉड अपडेट हो जाएगा 31415, और क्यू है हमारे पास जो है ना 13, जिससे हमें मॉड्यूलस लेना है। अच्छा अब डी पी प्लस पी इंटू आई पी ऑफ आई मॉड क्यू, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए
लेकिन ये फॉर्मूला कैलकुलेट होगा एम टाइम्स ये लूप चलेगा, ठीक है। तो एम की वैल्यू यहाँ पर है 5, इनिशियली पी 0 है टी नॉट सी पर, तो ये आपका पी 0 है, ठीक है। जैसे पी निकलेगा वैसे टी नॉट भी निकलेगा, तो डी मल्टीप्लाई बाय पी प्लस आई वैल्यू पी का, यानी जो पैटर्न का आई एथ कैरेक्टर और मॉड क्यू। अच्छा, अब डी आपका 10 है रेडिक्स और इनिशियल पी की वैल्यू 0 है, पहला जो डिजिट है आपके पास दैट इज 3, ये आपने ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया 0 प्लस 3, यानी कि 3, जब इसका मॉड लेंगे 13 से तो 3 आएगा आपके पास। अब ये लूप में दोबारा जाएगा, अब पी की वैल्यू पहले 0 थी ना, लेकिन अब हो गई है 3, तो अब 10 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, यानी 30 प्लस 1 31 मॉड्यूलस 13, ये आपके पास आया 5। अगेन 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस द नेक्स्ट डिजिट दैट इज 4, तो ये हो गया 54 मॉड्यूलस 13 2। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस द नेक्स्ट डिजिट 1 मॉड्यूलस 13 21 मॉड 13 8, नाउ 8 मल्टीप्लाई बाय 10, देखें ये 10, डी 10 है और पी अभी आपका जो हो गया है वो 8 है, तो 80 प्लस 5 85 मॉड्यूलस 13, ये आ गया आपके पास 7। ये बन गया आपका पूरा पैटर्न 3 1 4 1 5। तो इसमें क्या है कि आपके पास नंबर्स भी छोटे छोटे आ रहे हैं, इनका मॉड लेना बहुत आसान है, और ये एक लूप चलेगा और पूरा 3 1 4 1 5 का, अगर आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट मॉड लेते हैं वेबसाइट से जाके, तो ये आपके पास निकल आएगा 7, ठीक है ना। तो जिस तरह आपने ये मॉड निकाला है 7, तो साथ साथ आप पहली वाली जो टेक्स्ट है आपकी विंडो, वो क्या है, पहली टेक्स्ट विंडो क्या है आपकी जी, ये 23590, इसका भी आप मॉड निकाल लेंगे साथ साथ, ये 8 आ जाएगा। ये मैं आपको प्रोसीजर बताना चाह रहा था, जैसे आप पैटर्न का निकालेंगे इसी तरह से आप टेक्स्ट की फर्स्ट विंडो का भी आपने निकाल दिया। अब ये दोनों हैश वैल्यूज आपके पास आ गई, पैटर्न की भी और पहली वाली टेक्स्ट की विंडो की। अब ये जरा सा लाइन नंबर 9 से आप देखिए, एक लूप चल रहा है 0 से लेके n-1 तक। अब हमारे पास पूरी एक जो है ना हैश की एरे हमें बनानी है, ठीक है। अब ये किस तरह से काम होगा, सबसे पहले हमारे पास इनिशियल वैल्यू क्या है, s0 है, ठीक है। अच्छा, ये जो p है सबसे पहले हम इसको मैच करेंगे t0 से। अब आप कहेंगे t0 से क्यों मैच करेंगे, क्योंकि s की वैल्यू 0 है, ठीक है। ये देखिए s की वैल्यू 0 है, तो p मैच होगा सबसे पहले t0 से, यानी p का अगर सपोज करें हैश वैल्यू आई है 7 और हमारे टेक्स्ट की इनिशियल वैल्यू क्या आई थी 8, तो ये मैच नहीं हुआ, 7 8 के साथ मैच नहीं हुआ। तो अब देखते हैं कोड क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है अगर मैच हो जाए तो फिर जाओ और पी के जितने भी इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं टेक्स्ट की उस विंडो में जाओ, हर कैरेक्टर को मैच करो, यानी एम अगर 5 है तो पैटर्न के 5 डिजिट्स टेक्स्ट की उस विंडो के 5 डिजिट से मैच होंगे, क्योंकि देखें s0 है, s0 का मतलब है वही 1 से लेके 5 तक आपके पास मैच होंगे पैटर्न्स। लेकिन ये इसके लिए शर्त ये कि कोड तो मैच हो जाए, हैश कोड, तो हैश कोड तो अभी पी का 7 है और t0 का 8 है, तो ये तो मैच नहीं हो रहा। अब हम यहाँ आ जाएंगे लाइन नंबर 13 पर। लाइन नंबर 13 कह रहा है कि s अगर छोटा है n-m से, ठीक है, तो फिर आप ये फॉर्मूला कैलकुलेट करो, और ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि ऊपर जाने से पहले, लाइन नंबर 9 पर जाने से पहले आप अगला हैश कोड तो कैलकुलेट कर लो अगली विंडो का, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा एक जबरदस्त चीज है, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कंडीशन क्यों लगाई है लाइन नंबर 13 पर। लेकिन उससे पहले मैं लाइन नंबर 14 पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये भी एक अलग कहानी है कि अब अगला हैश कैसे कैलकुलेट होगा। तो आप फॉर्मूले को जहन में रखिए और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगला हैश कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखें कि मेरे पास एक ये फ्रेम ले लेते हैं ना, ये हमारा टेक्स्ट है 3 1 4 1 5 तक हमने सपोज करें मैच किया, 7 आ गया, 7 के बिहाइंड द सीन जाके हमने मैच किया तो वाकई पैटर्न से मैच हो गया, पैटर्न 3 1 4 1 5 था, मैच हो गया। अब हमें आगे अपना सफर जारी रखना है, तो नेक्स्ट फ्रेम क्या होगा हमारा, 1 4 1 5 2, ये फ्रेम होगा ना नेक्स्ट, जिसका हमें मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है। इसलिए बताया हुआ है कि अगर आपके पास टी एस मौजूद है, यानी पिछले वाले का मॉड्यूलस मौजूद है, तो अब उसने बताया कि अगले का मॉड कैसे निकलेगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ये फॉर्मूला उस फॉर्मूले से थोड़ा सा डिफरेंट है जो मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें हम इनिशियल पैटर्न का मॉड्यूलस निकाल रहे थे और पहले वाले फ्रेम का निकाल रहे थे, तो उसमें 5 दफा वो लूप चल रहा था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि छोटी मोटी 2 3 कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, ये देखें
ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है? ये फॉर्मूला मुझे समझाना है, क्योंकि जब आप एक एक विंडो का निकाल लेंगे ना मॉड्यूलस, तो फिर आपको लूप में जाने से पहले अगले फ्रेम का निकालना पड़ेगा मॉड्यूलस। अगर ये 7 आया तो फिर आप पीछे जाके मैच करेंगे कि एक्चुअल नंबर भी वही है या नहीं, और नहीं तो फिर आप फिर अगले फ्रेम का मॉड्यूलस हैश वैल्यू निकालेंगे। इस तरह से आप चलेंगे। अब आइए देख लीजिए। अच्छा, अब इसमें जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एच जो हमने पढ़ा था कि एच की वैल्यू क्या थी, डी की पावर एम माइनस वन मॉड्यूलस, और जो भी आपने नंबर लिया हुआ है मॉड लेने के लिए 13 17 वॉट एवर, तो वो आपको परफॉर्म करना है। क्योंकि ये देखें हर दफा ये हो रहा है ये काम, और ये अच्छा खासा भारी काम है। ये देखें आप यहाँ पे लाइन नंबर 3 पे आप देखें, हर दफा अगर मैं ये एच कैलकुलेट करूंगा तो बड़ा कॉस्टली पड़ेगा, और ये तो कुछ भी नहीं है। तो शुरू में पता चल जाएगा कि भाई मेरे पास रेडिक्स क्या है, यानी सपोज करें बेस क्या है 10 है, और मेरे पास पैटर्न की लेंथ कितनी है 5 है, तो मैं यहाँ पे 4 ले लूंगा 10 की पावर 4, और मॉड मैंने नंबर तो शुरू में डिसाइड किया हुआ है कि मैं हमेशा 13 से लूंगा या 17 से, तो ये वैल्यू तो मैं कैलकुलेट करके रख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मेरा पैटर्न 5 डिजिट्स का था, तो मैंने यहाँ पर एच की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ये देखिए आप, मेरा ये था बेस 10, 10 की पावर 4 हो गया 10,000, मॉड्यूलस 13, आप करके देखिए इसको कैलकुलेटर में आंसर आएगा 3। तो अब जिंदगी आसान हो गई, ये एच हमने शुरू ही में कैलकुलेट कर लिया, इसकी वैल्यू आ गई 3। अब बार बार आपको हर दफा फॉर्मूले में ये कैलकुलेट नहीं करना होगा। अच्छा, ये है टी एस, मतलब अगर आप टी एस प्लस वन अगला हैश वैल्यू आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो यू नीड द प्रीवियस वन। ये टी एस क्या है, प्रीवियस जो आपके पास हैश कोड आया था ये वो है, और इसकी मदद से आप कैलकुलेट करेंगे हैश ऑफ द नेक्स्ट फ्रेम, टेक्स्ट का जो नेक्स्ट फ्रेम बनेगा। जैसे अभी आपका फ्रेम है 31415, तो नेक्स्ट फ्रेम क्या बनेगा 14152, उसका अगला नेक्स्ट फ्रेम क्या बनेगा 41526, एंड सो ऑन। सही है ना? तो हमें हर दफा एक एक इसको शिफ्ट करते रहना होगा टेक्स्ट में अपनी विंडो को, और हम नेक्स्ट विंडो का मॉड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसका ये फॉर्मूला है, समझ लीजिए। देखें, ये हो गया पुराना हैश फंक्शन, ये है आपका पहला डिजिट, ये आपका पहला डिजिट है। जैसे मिसाल के तौर पे 31415 पुरानी विंडो थी, और अब हम जा रहे हैं 14152 का हैश निकालने, हमें इस 3 को एलिमिनेट करना है। तो हमने क्या किया, हमने जो पुराना हैश लिया था उसमें से माइनस किया ये वाला पहला डिजिट जो था फ्रेम का, यानी कि 3। लेकिन रुक जाइए, इससे पहले इसको मल्टीप्लाई करें एच से। व्हाट इज एच, ये हमने निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि ये डिजिट कहाँ पर आ रहा था, 10,000 की जगह पर आ रहा था, तो मैंने उस पूरा उसका मॉड 13, ये बार बार आप देख रहे थे ना, मैं मॉड भी लेता जा रहा था, तो मैंने पूरा इंतजाम कर लिया उस डिजिट को एलिमिनेट करने के लिए, हमने ये वैल्यू कैलकुलेट करके रख ली। ठीक है, तो अगर आपके पास ये 4 डिजिट्स का होगा पैटर्न, तो आप 1,000 से मॉड ले लेंगे, ठीक है ना? तो इस तरह से होगा। अभी हमारा 5 का है, तो हमने 10,000 से लिया है, तो ये एच हमने कैलकुलेट कर लिया 3। अब सपोज करें 31415, इसका हैश वैल्यू निकली थी मेरे पास 7। ये देखें पुरानी हैश वैल्यू मेरे पास निकली 7, इसमें से मुझे इस डिजिट को जिसको माइनस करना है, ये रखा हुआ है पोजीशन S+1 पे, ठीक है? S होती है शिफ्ट, ठीक है? तो S की जो भी वैल्यू है यहाँ पर, वॉट एवर, सपोज करें 0 है तो 0+1 यहाँ पर। वैसे अगर आप देखें, ये मैं जिस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, जिस विंडो की, वो पोजिशन नंबर 7 है, तो यकीनन एस की वैल्यू यहाँ क्या होगी, 6 होगी। तो 6+1 यानी 7 पोजीशन पे पहला कैरेक्टर रखा हुआ है, 6+2 पे दूसरा कैरेक्टर रखा हुआ है, 6+3 पे तीसरा कैरेक्टर। तो ये करते करते हम 5 तक जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे पास S+M पे रखा हुआ होगा आखिरी कैरेक्टर इस विंडो का, जो लास्ट मैच की। अच्छा, अब हमने सबसे पहले क्या किया कि जो हमारा पुराना हैश था 7 इस वाली विंडो का, माइनस जो हमारे फ्रेम का पहला डिजिट था 3, और फिर उसकी पोजीशन एच से निकल रही है, और वो हमने पूरी कैलकुलेट कर ली थी, मॉड्यूलस वगैरह 3 आई थी, इसको हमें माइनस करना है, और इसमें ऐड करना है अगली विंडो का पहला जो लास्ट डिजिट है, क्योंकि अब विंडो बनने जा रही है 14152। तो हम 3 को निकालेंगे थाउजेंड्स की पोजीशन से, और यूनिट की जगह पे ऐड करेंगे 2 को, यानी 14152, यानी 14,152। तो 3 निकलेगा 10,000 पोजीशन से, और 2 बेचारा ऐड होगा यूनिट्स की सतह पर, तो ये बनेगी फिर 14152। तो हमने क्या किया, पुराना जो हैश आया था उसमें से माइनस किया फर्स्ट डिजिट ऑफ द लास्ट विंडो, मल्टीप्लाई किया उसको एच से, ठीक है, प्लस किया उसमें 2,
और क्योंकि जब आप इतना अमल करेंगे, सिर्फ आप इतना अमल अभी करेंगे यानी ये वाला, तो आप 3 को निकालेंगे तो क्या बचेगा? 1415, सिर्फ इतना बचेगा ना आपके पास, क्योंकि देखें अभी आपने 2 ऐड नहीं किया, अभी आपने सिर्फ 3 को निकाला है। तो जब आप 3 को निकालेंगे तो ये पहले 31,000 था, अब तो ये बेचारा 10,000 पोजीशन तो निकल गई, अब तो बचेगी 1415, यानी 5 डिजिट के बजाय 4 डिजिट रह गए। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से ताकि विंडो दोबारा बन जाए 5 की। जब ये 5 की विंडो बन जाएगी तो यहाँ होगा सो 0, तो आप इस डिजिट को इसमें शामिल करेंगे। देखें तो पहले जब आपने पुराने हैश में से पहला डिजिट माइनस किया, उसको मल्टीप्लाई किया पोजिशन से, इसको पहले आप मल्टीप्लाई करें 10 से, तो 7 माइनस 9 यह आया -2, इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई किया -20 आ गया, इसमें आपने ऐड किया नया डिजिट 2, तो ये बन गया माइनस का 18 मॉड्यूलस 13। अच्छा अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब हम किसी भी नंबर का मॉड लेते हैं, किसी भी नंबर का मॉड लेते हैं किसी वैल्यू के साथ, उसके रिमाइंडर की रेंज क्या होती है, अभी शुरू में मैंने आपको बताया था। अगर मैं किसी नंबर को 13 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इसके रिमाइंडर की रेंज क्या होगी? 0 से 12। उसमें भाई माइनस माइनस कहाँ से आ गया? तो इस माइनस को खत्म करने के लिए आपने क्या किया, पहले इसमें से इसमें 13 प्लस किया, फिर बचा -5, अभी भी माइनस नहीं निकला, फिर आप इसमें 13 प्लस करें, अब आ गया 8। इसका मतलब -18 का अगर मैं मॉड लूंगा 13 से तो वो होगा 8। आप जाके देख लीजिए, ये यहाँ पे वेबसाइट पे जाके देखिए, -18 डाले, इसका मॉड ले 13 के साथ, क्या वैल्यू मिलेगी आपको? 8 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो आप इस तरह निकाल लें, ये इस तरह निकाल लें, या आपके पास कैलकुलेटर से इसको निकाल लें, तो माइनस में कभी भी नहीं आता। ठीक है, तो मॉड ले रहे हैं 13 से, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी? 0 से लेकर 12 ही तक आंसर आएगा, माइनस में नहीं रखना है। तो ये आ गया आपके पास नेक्स्ट वाली विंडो, यानी 14152 का हैश मॉड फंक्शन वैल्यू क्या आई है आपके पास? 8 आई है। अब आप फिर क्या करेंगे, इसको एक और शिफ्ट करेंगे 4152, और जो भी यहाँ पे डिजिट है शायद 6 है, तो वो आप लेंगे, फिर उसका आप हैश निकालेंगे, फिर वो 4 आएगा। तो ये मैंने आपको पूरा फॉर्मूला समझा दिया कि किस तरह पुराने हैश फंक्शन से आप नया हैश वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जनाब, आप आ जाइए दोबारा, हम अपने इस कोड पे, यहाँ तक आपको मैंने समझा दिया शुरू में क्या क्या चीजें हमने सपोज की, उसके बाद मैंने आपको लाइन नंबर 6 से 8 तक बताया कि हम पैटर्न का हैश निकाल रहे हैं और अपने पहले वाले टेक्स्ट विंडो का हैश निकाल रहे हैं। उसके बाद हम अंदर आए, जो हमने पहला पहला अपने टेक्स्ट विंडो का हैश निकाला था और पैटर्न का, इनको कंपेयर किया, अगर मैच हो जाते हैं लकीली तो हम पीछे जाके फिर देखेंगे कि ये पूरे डिजिट भी मैच होने चाहिए, और अगर ये मैच नहीं होते हैं तो अब हमें फिक्र होगी कि हम अगला जो हमारा टेक्स्ट विंडो है ना, इसका हैश निकालें। तो इसका हैश निकालने के लिए जनाब यहाँ पर ये फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, और ये मैंने आपको पूरा स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया है किस तरह से ये काम कर रहा है। अब मैं आपको बस ये लाइन नंबर 13 आखिर में बताने जाना चाहता हूँ, ताकि ये आपको क्लियर हो जाए कि ये क्या चीज है, कि एस इज लेस देन एन माइनस एम, क्योंकि देखें ये तो लाइन नंबर 9 पे लूप ही 0 से n-m तक चल रहा है, तो ऑथर को क्यों जरूरत पड़ी लाइन नंबर 13 पे ये कंडीशन लगाने की? देखें बात दरअसल ये है कि एस की वैल्यू होती है पीछे, और एस यानी शिफ्ट 0 से शुरू होता है, जबकि टैक्स पहली शुरू होती है 1 से। टैक्स जो होता है वो आपका शुरू होता है पोजीशन नंबर 1 से। ठीक है, तो अब आप मिसाल लें कि जैसे ये है आपके पास टेक्स्ट 19, 19 कैरेक्टर कहाँ से शुरू हो रहा है? ये 1 से शुरू हो रहा है, 1 से लेके और ये आपका 19 तक जा रहा है, ये देखें ये 1 से स्टार्ट होकर 19 तक जा रहा है, तो ये लेंथ हो गई एन की। ठीक है, एन और एम है आपका 5 का, जो पैटर्न है 31415, ये 5 कैरेक्टर्स का पैटर्न है, तो ये लूप जो है ये शुरू होगा आपका 0 से लेके n-m तक। एन कितना है? 19, एम है 5, 19-5 यानी के 14, तो ये लूप जो है 0 से लेके 14 तक चलेगा इस पर्टिकुलर केस में, जो एग्जांपल मैंने आपको दी है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, 0 से लेके 14 वैल्यू तक एस जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि एस जब 0 होता है तो टेक्स्ट में ये +1 होता है, यानी कि एस अगर 0 है तो मैचिंग कहाँ से शुरू होगी आपकी? मैचिंग आपकी शुरू होगी 1 से, जब एस 0 है। तो अब जरा सा आप ये जहन में रखिए कि जब एस 14 है, ठीक है ना, ये 14 तक जाएगा ना लूप, तो जब एस 14 है तो आखिरी जो आपका मैच शुरू होगा वो कहाँ से शुरू होगा? 15 से। तो जब आपके पास ये एस होगा 14,
तो ये आपका स्टार्ट होगा कहाँ से? 15 से, ठीक है ना? ये देखिए टेस्ट मैच शुरू कहाँ से होगा? 14+1 यानी 15 से। ये आखिरी विंडो होगी आपके पास मैच करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपके पास 5 कैरेक्टर की विंडो बचेगी नहीं, फिर तो बचेगी आपके पास 4 की विंडो। जो लास्ट विंडो है पूरी की पूरी 5 की, वो 15 से स्टार्ट होगी, 15, 16, 17, 18, 19। जब वैल्यूज आपके पास 15 हो जाएगी एस की, तो जाहिर बात है फिर तो मैच करना ही फजूल है, क्योंकि फिर तो कैरेक्टर भी 5 नहीं बचे, 4 बचे हुए। इस वजह से यहाँ जो कंडीशन लगी हुई है वो ये कह रही है कि जब S14 हो जाए तो आप चेक कर लो कि जो आपने हैश पहले निकाला पैटर्न का, और अभी जो आप पिछले हैश कैलकुलेट करके आए हो, इसको मैच कर लो कि अगर इनके पीछे कैरेक्टर सेम है, अगर ये दोनों वैल्यूज मैच हो गई हैं, तो इनके पीछे अगर कैरेक्टर सेम है तो ठीक है, पैटर्न मैच हो, पैटर्न मिल गया है। और अगर ऐसा नहीं है तो अब अगले का हैश कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है टेक्स्ट विंडो की, क्योंकि ये अपनी हद को पहुंच चुका है N-M तक।